हेलो एंड वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी इवनिंग का टाइम है और इस इवनिंग के टाइम में हमें क्या होता है, छोटी सी भूख लगने लगती है। तो हम इस वक्त कुछ भी खाते हैं तो प्रॉपर डिनर भी नहीं कर पाते। तो क्यों ना इसी एक रेसिपी को ट्राई करें जो हमें हमारा पेट भी भर जाए और फिर से डिनर में कुछ बनाना भी ना पड़े। तो इसके लिए मैं अभी मेदू वड़ा ट्राई कर रही हूँ, पर ये मेदू वड़ा मैं दाल चावल के साथ नहीं बना रही हूँ, ये मैं मेदू वड़ा साबूदाने के साथ बना रही हूँ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ इस रेसिपी को और आपको भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी। उसके पहले मुझे आपसे एक कहना है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कोई भी यूज़फुल टिप्स वगैरह मिलती है तो लाइक ज़रूर करना। ये मेदू वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो आलू को ऐसा ग्रेड करके लिया है। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी दही को लिया है। यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को एकदम बारीक सा चॉप करके लिया है। अगर आपको मिक्सर में पेस्ट करनी हो तो भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम मूंगफली का, ये रोस्टेड मूंगफली का पाउडर लिया है। थोड़ी सी चीनी ली है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैंने ये भिगोया हुआ साबूदाना लिया है। तो इसका बैटर बनाने के लिए हमें कोई भी पानी की ज़रूरत नहीं और पानी का कोई भी हमें यूज़ कर नहीं करना। आलू और इस दही के साथ ही हमें इसका बैटर बनाना है। तो और नमक लगेगा हमें, तो मैं इस बैटर को तैयार करती हूँ। सारी चीज़ों को मिक्स करने से पहले हमें कढ़ाई गरम करनी है, उसमें तेल गरम करना बहुत ज़रूरी है। पहले से तेल को अच्छा सा गरम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस बैटर को बनाने से पहले तेल को गरम करने के लिए रखा है। और अभी हम इसका बैटर बनाएंगे। पलटना
को सेकते समय हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखना है, नहीं तो हमारे वड़े अंदर से कच्चे रह सकते हैं। इसलिए उसको हमेशा स्लो फ्लेम पर ही अच्छा सा पकाना है। तभी उस पर ऐसा क्रिस्पी सा कोटिंग आएगा। यहाँ पर हमारे वड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। इसको मैं अब निकालती हूँ। और ये वड़े खाने में गर्म ही मजा है, अगर ये ठंडे होते तो इतने अच्छे नहीं लगते। तो इसको गरम गरम ही खाया करो। यहाँ पर मैंने बाकी के बैटर का भी ऐसे वड़े बना कर रखे, अब इसको मैं एक एक करके फ्राई करूँगी। यहाँ पर हमारे शाबू के मेदू वड़े बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी से बन चुके हैं, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन उनको कलर आ चुका है और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो घर में ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।